मैं आपका अपना होस्ट आज एक और नए वीडियो के साथ, एक नए स्टार के साथ जो अपकमिंग स्टार है। माशाल्लाह 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और 2019 में एशिया कप भी रिप्रेजेंट किया है। अब बहुत 3-4 PSL खेल चुके हैं और लास्ट ईयर कोटली लॉयंस में थे, KPL में थे। आज जो कश्मीर में हम खड़े हुए हैं वो ओवरसीज़ वॉरियर की तरफ से पिक हुआ है सैफ बदर का। तो आइए आज हम सैफ बदर से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सैफ? ज़बरदस्त। आप सुनाएं, क्या आप समझते हैं कि जो आपका कैरियर गुजरा है थोड़ा सा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ ज़रा बताइएगा। जी, सियालकोट से मैंने क्रिकेट शुरू की। उसके बाद जैसे ही जो प्रोसेस होता है अंडर 16, अंडर 19, फिर फर्स्ट क्लास लेवल, अंडर 19 वर्ल्ड कप, फिर फर्स्ट क्लास, तो ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सियालकोट से। सियालकोट से मैं अंडर 19, अंडर 16 खेला, फिर जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट आई तो फिर मैं SSGC में था पहले, देन KRL में से खेला। फिर उसके बाद जब सिस्टम चेंज हुआ तो मैं साउदर्न पंजाब से खेलता रहा, लास्ट ईयर मैं सेंट्रल पंजाब से खेला। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और कामयाबी दें। आप मेरे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि अब आपके आगे गोल क्या हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस गेन करते जाएं ईयर बाय ईयर, तो आपके आगे गोल क्या हैं, क्या सेट किया हुआ है आपने एक ऐसा? बिल्कुल, अभी तो सामने KPL है, तो उसके बाद बिल्कुल बाद में सीजन, जो डोमेस्टिक सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो यही है कि ये सीज़न अच्छे से अच्छा खेलूँ और लास्ट ईयर से जो चीज़ें ऑफ सीज़न इम्प्रूव की हैं उसको अप्लाई करूं कि डे बाय डे मेरी गेम में और गेम अवेयरनेस में इम्प्रूवमेंट आए, इजाफा होता रहे। और इस साल आप ओवरसीज़ लाइन के लिए पिक हुए हैं, तो आपके क्या इरादे हैं, क्या क्या आपके चांसेस हैं अपनी टीम को देख के, अपना स्टाफ को देख के, आपकी मैनेजमेंट को देख के, आपके क्या लग रहा है कि कितना माशाल्लाह आपकी तैयारी है? जी बिल्कुल, प्लेयर्स की बात की जाए तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, और उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट और सब सारे हैं, ट्रेनर, डॉक्टर, तो सारे काफ़ी हेल्पफुल हैं। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे एज अ टीम हम जेलिन हैं, हर बंदा फोकस्ड है, तो इंशाल्लाह एम यही है कि हम इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा खेलें और अगर रिजल्ट हमारे हक में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम चैंपियन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक सैफ बड़ा बुनियादी सवाल है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर आते हैं और मतलब उनके कैरियर को ब्रेक लग, नहीं नहीं फोन वो नॉर्मल नहीं चल रही, ऐसा 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 क्या कैरियर में लड़कों को आता है जो ब्रेक लग जाते हैं, जो अपने गोल या अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते, क्या वजूहात हैं? यंगस्टर्स के लिए कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा भी है लाइफ में हर चीज़ अप एंड डाउन जाते रहते हैं, लेकिन एक ही मैसेज ये है कि कभी भी लेट नहीं होता बहुत ज़्यादा। अगर आपके 1-3 साल ज़ाया भी हुए हैं, डिले आ गया थोड़ा सा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप साइड पर हो गए और यू आर डन। तो अपनी सिर्फ मेहनत करते रहें, फोकस्ड रहें, और बस मतलब हर टाइम हर वक्त कोशिश करेंगे मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता रहूं, ठीक है, इंशाल्लाह आपको टाइम भी आ जाएगा। और जो थोड़ी सी साइड पे चीज़ें उनको थोड़ा सा आपको साइड पे रखना पड़ता है, ठीक है, और क्रिकेट की तरफ ज़्यादा फोकस होना, ज़्यादा फोकस। मेरा आप जितने भी व्यूअर्स हैं देखने वाले हैं उनको यही पैगाम है कि देखें, ये एक यंगस्टर से मैंने आपका बात करवाई है और ये अपकमिंग स्टार हैं, आप लोग भी दुआ करें इंशाल्लाह जो इन्होंने गोल बनाया हुआ है अल्लाह पाक उनको उस गोल में कामयाब करें और ये जल्द से जल्द अपनी मंजिल में पहुँच सकें। और सबसे बेहतरीन चीज़ इन्होंने एक चीज़ बताई कि मोटिवेट होते रहना, अपने आप को गिव अप नहीं करना है, आप अपने आप को गिराना नहीं है किसी भी मंजिल पे, अगर कहीं ब्रेक आ जाता है या हर्डल्स आ जाते हैं तो फिर दोबारा गिर के उठना है, ये नहीं कि गिरे तो गिरे रहना है, आपने उठना है, अपने आप को जो है ना मोटिवेट करके फिजिकली मेंटली और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल का नाम लेके क्रिकेट खेलते रहें। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको मैं अपने एक और व्लॉग के साथ हाजिर हूँ, एक और स्टार के साथ, एक और वीडियो के साथ। सैफ, इस हनीफ़ रहमान व्लॉग के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वीडियोस आपकी मैं भी देखता रहता हूँ, तो मेरी आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें, तो जैसे आपके लिए इसमें मैसेज होता है तो वो भी मोटिवेट रहेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो ये दोनों साइडों पे चलता रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया सैफ, आपसे बात करके मज़ा आया, जितने आप अच्छे प्लेयर हैं आप अच्छे इंसान भी हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे अपने गोल्स में। व्यूअर्स, मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ, जब तक खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।